असलम स्टूडेंट्स आज हम करने लगे हैं ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड और ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड तो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी किया है लेकिन आज हम जब वो ड्यूल सिम्प्लेक्स मेथड की इनफिजिबिलिटी चेक करने लगे हैं ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड कब इनफिजिबल सॉल्यूशन देता है ठीक है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास वीडियो लेक्चर है ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि हमारे पास ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड के क्वेश्चन तो पेपर में आ जाते हैं लेकिन समटाइम वो जो क्वेश्चन होते हैं वो इन फिजिबिलिटी के होते हैं लेकिन स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती कि ये क्वेश्चन जो है वो इनफिजिबिलिटी का है तो इन फिजिबिलिटी के क्वेश्चन ज़्यादातर चांसेज होते हैं आने के तो इन आपने सीख लेनी है इस वीडियो लेक्चर से तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बताऊं कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर मस्ट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ड्यू सिम्प्लेक्स मेथड के इनफिजिबिलिटी केस समझ आ सके ठीक है तो हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन uh, क्या है मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है हमारे पास जी इक्वल है एक्स वन प्लस वाई एक्स टू की ठीक है जी इक्वल है एक्स वन प्लस एक्स टू की और सब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास क्या है टू एक्स वन प्लस एक्स टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू टू एंड माइनस एक्स वन माइनस एक्स टू ग्रेटर दैन आर इक्व टू वन और एक्स वन और एक्स टू क्या है हमारे पास जो नॉन बेसिक वेरिएबल है वो क्या है ग्रेटर दैन आर इक्वल टू जीरो है अब हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव uh, फंक्शन है और सब्जेक्टिव फंक्शन है इसकी हम सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने से पहले मैं आपको ड्यू सिंप्लेक्स मैथड से रिलेटेड जो वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी जो कि आपको यहाँ पे हेल्प करेगा कि कब हमारे पास ड्यूल सिम्प्लेक्स मेथड फिजिबल सोल्यूशन देता है और कब इनफिजिबल सोल्यूशन देता है तो सबसे पहले हम वो पॉइंट पढ़ेंगे उसके बाद हम इनफिजिबिलिटी डिस्कस करेंगे तो आपके पास ये पॉइंट है ये पॉइंट क्या है फिजिबिलिटी का पॉइंट है फिजिबिलिटी कंडीशन चे, चेक करने के लिए ड्यूल सिंप्लेक्स के लिए ठीक है ड्यूल सिंप्लेक्स में फिजिबिलिटी कंडीशन चेक करने के लिए आपके पास ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पॉइंट को अगर आप समझ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सोल्यूशन कहाँ पे फिजिबल सोल्यूशन होता है कहाँ पे इनफिजिबल सोल्यूशन होता है तो हम इस पॉइंट को पढ़ लेते हैं टेक द रेशियो ऑफ द कोफिशेंट ऑफ द जी इक्वेशन जी इक्वेशन में यानी कि जी इक्वेशन में हम जो वो कॉफिशेंट्स की रेशियो लेते हैं टू द क्रॉसपॉन्डिंग कॉफिशेंट्स इन द इक्वेशन एसोसिएटेड विद द लिविंग वेरिएबल सबसे पहले हम जो वो आपको पता है यहाँ पर जो ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड है इसमें सबसे पहले हम रो सेलेक्ट करते हैं एंड देन हम कॉलम सेलेक्ट करते हैं अब रो जब हम सेलेक्ट करते हैं तो वो जो रो है उसके जो क्रॉसपॉन्डिंग कॉफिशंट्स होते हैं यानी कि उस रो में जो नंबर्स होते हैं जो कॉफिशंट्स पड़े होते हैं उन कौफिशन, उन उनफिशन का हम उन कॉफिशेंट की रेशो लेते हैं हम जी इक्वेशन के कॉफिशेंट के साथ ठीक है क्या बात है कि हमारे पास जो रो सेलेक्ट हुई है सबसे पहले हम रो सेलेक्ट करते हैं जो रो सेक्ट हुई है जो लिविंग वेरिएबल हमने सेलेक्ट किया है जो रो सेक्ट किया है उसमें उसकी हम रेशो लेते हैं जी इक्वेशन जी इक्वेशन की और उस रो की हम जब वो रेशो ले लेते हैं अब रेशो में हम क्या कहते हैं इग्नोर द रेशो एसोसिएटेड विद ज़ीरो आर पॉजिटिव डी है हमने उस रेशो को इग्नोर करना, करना होता है जो हमने रो सेलेक्ट की है उसमें ऐसे नंबर्स को हमने ऐसे नंबर्स ऐसे जो कॉफिशंट्स हैं जिन जो हमारे पास ज़ीरो है हैं या पॉजिटिव हैं यानी कि पॉजिटिव और डी ऑफ जीरो डी नोमिनेटर वाले जो हमारे पास रेशियो हैं उनको हमने एग्नोर करना होता है बात समझ आ रही है रेशियो हम किस तरह से लेते हैं देखिए हमारे पास मिनिमम रेशो होती है मैं कहती हूँ यहाँ पर हम रेशो लेने लगे हैं मिनिमम रेशो इक्वल होती है अगर हमारे पास माइनस वन और माइनस टू है ठीक है अब देखें ये जो माइनस वन है ये इक्वेशन से है और ये जो माइनस टू है ये हमारे पास जो रो हमने सेलेक्ट किया उसमें से है लेकिन अगर यहाँ पर हो माइनस वन ओवर टू ठीक है इस तरह से हो जाए अब ये जो टू है ये डी है ये जो रेशो में रेशो हम ले रहे हैं ठीक है थीके? इस रेशो में ये जो डी है ये पॉजिटिव है जहाँ पर डी नोमिनेटर पॉजिटिव हो जाएगा वहाँ पर हम जो है वो रेशो नहीं ले सकते यानी कि हमने पॉजिटिव डी नोमिनेटर को इग्नोर करना होता है ठीक है हम उसको नहीं ले सकते रेशो में और जीरो वाले को भी नहीं लिया जा सकता ठीक है ये था इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसी पॉइंट की वजह से हमारे पास सोलूशन जो है होगा ड्यूल सिम्प्लेक्स मेथड में तो ये पॉइंट आपने बहुत अच्छे से आ, समझ समझना है अपने माइंड में बिठा लेनी है, है जो बातें मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की हैं तो अब हम मूव करते हैं ड्यूल सिम्प्लेक्स मेथड के स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ जो हमने मिनिमाइजेशन के है उसकी हम सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेते हैं तो हम मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने लगे हैं सबसे पहले हमारे पास क्या है ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जी इक्व टू एक्स वन प्लस एक्स टू है तो ये जो एक्स वन एक्स टू जो है ये दूसरी साइड पर जाएंगे तो हमारे पास क्या जाएगा जी माइनस एक्स वन माइनस एक्स टू इक्व टू जीरो ठीक है तो ये जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन सेट हो गया है अब सब्जेक्टिव फंक्शन के लिए हम सबसे पहले इक्वेशन वन की तरफ मूव करते हैं ये हमारे पास इक्वेशन है टू यानी कि ये आपके पास इन इक्वालिटी है टू एक्स वन प्लस एक्स टूर्ड टू टू है यहाँ पर हम दोनों साइड्स पे माइनस साइन को मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से माइनस टू एक्स वन माइनस एक्स टू तो यहाँ पर जो इनक्वालिटी है वो चेंज हो जाएगी पहले ग्रेटर देन थी जब हमने माइनस साइन लगाया तो लेस देन इक्वल की हो जाएगी ठीक है तो लेस देन इक्वल टू माइनस टू अब इस इक्वेन को हम जब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं यानी कि इक्वालिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं माइनस टू एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस एक्स वन इक्व टू माइनस टू ये आपके पास इक्वेन नंबर वन आ गई अब जो सेकेंड इनक्वालिटी है उसको हम देखें माइनस एक्स वन माइनस एक्स टू ग्रेटर देन इक्वस टू वन है तो यहाँ पे भी माइनस साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स एक्स वन जो है प्लस का हो जाएगा एक्स टू भी प्लस का हो जाएगा और यहाँ पे जो ग्रेटर देन आर इक्वल की इन है वो लेस देन आर इक्वल में कन्वर्ट हो जाएगी तो लेस देन आर इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा इसको भी हम इक्वालिटी में चेंज कर लेते हैं एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स टू इक्वल टू माइनस वन तो ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ गई अब ये जो आपके पास ये सारी आई हैं इनकी आपने यहाँ टेबल ड्रॉ कर लेना है तो टेबल की तरफ हम मूव करते हैं तो अब देखिए हमने जो है वो सबसे पहले टेबल सेट कर लिया टेबल में हमने जो बेसिक वेरिएबल्स लिखे हैं बेसिक वेरिएबल आपके पास क्या है जी एस वन और एस टू हैं बाकी आपके पास बेसिक और नॉन बेसिक वेरिएबल आपने लिख दिए जी एक्स वन एक्स टू एस वन एस टू और सोलूशन ठीक है अब जी आपके पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म आपने बनाई है जी की जो इक्वेशन है उसमें जी का कॉपीशन क्या है वन है तो वन लिख दिया एक्स वन का कॉपेशन क्या है माइनस वन है तो माइनस वन लिख दिया एक्स टू का कॉपीशन क्या है माइनस टू माइनस वन है तो माइनस लिख दिया माइनस वन लिख दिया बाकी एस वन एस टू और सोल्यूशन आपके पास सारे के सारे क्या है जीरो हैं क्योंकि एस वन यहाँ पर नहीं है जी इक्वेशन में तो एस वन का कॉपीशन क्या होगा जीरो होगा एस टू का कॉपेशन भी जीरो और सोल्यूशन आपके पास जीरो है ठीक है अब ये जो बाकी वैल्यूज़ हैं अब जो आ, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बनी थी उसमें जी नहीं था तो जी की जगह जीरो एक्स वन का कॉपेशन माइनस टू एक्स टू का ऑपिशन माइनस वन एस वन का कॉप्शन वन एस टू का कोप्शन जीरो और सोल्यूशन आपके पास माइनस टू इसी तरह से जो सेकेंड इक्वेशन थी उसमें जी, तो जी नहीं था तो जी का ऑप्शन जीरो एक्स वन कापिशन वन एक्स टू का ऑपिशन वन एस वन का ऑप्शन जीरो एस टू कापिशन वन और सोल्यूशन आपके पास माइनस वन आ गया अब आपने कौन सी रो सेलेक्ट करनी होती है सबसे पहले आप सोल्यूशन कॉलम में मूव करते हैं सोलूशन कॉलम में जो मोस्ट नेगेटिव मोस्ट नेगेटिव मोस्ट नेगेटिव वैल्यू तो जो होगी वो आपने रो सेलेक्ट कर लेनी है तो मोस्ट नेगेटिव क्या है आप यहाँ पे माइनस माइनस टू है और माइनस वन है ठीक है तो मोस्ट नेगेटिव क्या है माइनस टू है तो माइनस टू वाली आपने सेलेक्ट कर ली यानी कि ये वाली रो आपने सेलेक्ट आप तो कर तो ली अब कॉलम सेलेक्ट करना है ठीक है कॉलम सेलेक्ट करने के लिए आपने क्या पढ़ा था क्या बात जो जी इक्वेशन होगी जी इक्वेशन के जो कॉफिशेंट्स हैं जो आप में, जी इक्वेशन में कॉफिशेंट होते हैं यानी कि जी रो में जो नंबर्स हैं जो नंबर्स हैं आपने उनकी रेशियो लेनी होती है जो आपने रो सेलेक्ट की है यानी कि माइनस वन रेशियो माइनस टू होगा मॉडल जेगा माइनस वन रेशियो माइनस वन तो यहाँ पर आपने रेशियोज लेनी है ठीक है अब हमने एक और चीज़ पढ़ी थी Uh, के रेशियो सामने किस तरह से लेनी है जो डी नोमिनेटिव वाली फॉर्म है टर्म्स हैं वो जस्ट पॉजिटिव सॉरी uh, नेगेटिव होनी चाहिए पॉजिटिव या जीरो नहीं होनी चाहिए ना पॉजिटिव होनी चाहिए और ना ज़ीरो होनी चाहिए तो हमने वही पॉइंट्स सेलेक्ट कर लिए हैं जो नेगेटिव हैं यानी कि माइनस टू हमने सेलेक्ट कर लिया या माइनस वन भी सेलेक्ट कर लिया ठीक है इनकी रेशियो हमने लेनी है तो रेशियो आपके पास क्या कि वन बाई टू एंड वन तो इनमें से मिनिमम क्या है वन बाई टू है तो आपने वन बाई टू इस वजह से आ रहा था इसमें इस यहाँ पे जब आपने रेशो ली तो वन बाई टू आया तो ये वाला कॉलम आपने सेलेक्ट कर लिया अब हमने यहाँ पर ये पॉइंट बन गया ये जो सर्कल हमने किया हुआ है रेड कलर का ये जो पॉइंट है माइनस टू है इस माइनस टू को हमने वन बन बनाना है और इसके ऊपर नीचे हमने क्या करना है ज़ीरो बनाने हैं तो इसके लिए हम ऑपरेशन कुछ करेंगे ऑपरेशन यहाँ पर मैं आपको नहीं सॉल्व करवाऊंगी जस्ट आपको ऑपरेशन बताऊंगी कि ये ये ऑपरेशन लगते हैं ऑपरेशन आपने खुद लगाने हैं ठीक है ऑपरेशन आपको क्यों नहीं सिखा रही क्योंकि ऑपरेशन में आपको सिम्प्लेक्स मेथड के हमने चार पांच केसेस देखे हैं वहाँ पर मैंने आपको ऑपरेशन बड़े डिटेल में ऑपरेशन कैसे लगाते हैं बता दिए रो ऑपरेशन कैसे लगते हैं तो आप रो ऑपरेशन सीख चुके हैं अब आपने जस्ट मेथड सीखने हैं तो मेथड आपको मैं यहाँ पर सिखा रही हूँ तो माइनस टू को जो अब वन बनाने के लिए हम क्या करेंगे माइनस वन बाई टू को मल्टीप्लाई कर देंगे रो आपके पास क्या है आर टू है तो आर टू के साथ ये ऑपरेशन हम लगाएंगे तो यहाँ पे देखे हमने ऑपरेशन लगाया माइनस वन बाई टू आर टू तो ये जो आपके पास आर टू है रो टू ये अपडेट होके आपके पास आ जाएगी ज़ीरो वन वन बाई टू माइनस वन बाई टू ज़ीरो और वन आ जाएगा सोलूशन ठीक है ये अपडेट हो के आ जाएगी ठीक है हमने क्या सेलेक्ट किया था यहाँ पे हमारे पास जो कॉलम सेलेक्ट हुआ था कॉलम सॉरी कॉलम सेलेक्ट हुआ था एक्स वन वाला और रो सेलेक्ट हुई थी एस वन वाली तो एस वन की जगह हमने क्या लिख दिया एक्स वन लिख दिया यहाँ पर देखिए ठीक है और बाकी आपके पास ऑपरेशन लगेंगे तो बाकी आपके पास ऑपरेशन लग जाएंगे आर वन प्लस आर टू आर वन और आर टू को ऐड करेंगे तो आपके पास रो आर वन अपडेट होगी आ जाएगी वन जीरो माइनस वन बाय टू माइनस वन बाई टू जीरो और वन आ जाएगा और आर थ्री माइनस आर टू करें आर थ्री में से आर टू को माइनस करेंगे तो आपके पास आर थ्री आ जाएगी ज़ीरो ज़ीरो वन बाय टू वन बाय टू वन और माइनस अब यहाँ पे सोलूशन में अगर आप देखें तो सोलूशन में मोस्ट नेगेटिव वैल्यू कौन सी है माइनस टू है तो माइनस टू वाली आपने रो सेलेक्ट कर ली है ठीक है आप कॉलम सेलेक्ट करने के लिए आपने क्या करना है रेशोस लेनी है तो रेशो ले लेते हैं हम तो देखें आपने मिनिमम रेशियो किस तरह से लेनी है आपने uh, जी वाली रो देखें जी रो में आपके पास ये नेगेटिव वैल्यू है ये भी नेगेटिव वैल्यू है तो मिनिमम रेशियो आपके पास आ जाएगी क्वल टू मॉड ऑफ माइनस वन बाई टू डिवाइडेड बाय इसके नीचे क्या है आपके पास वन बाई टू है तो आप देखें हमने डिवाइड क्या किया है वन बाई टू को और वन बाई टू क्या है हमारे पास पॉजिटिव है हमने क्या करना था कि हमने जो हमारे पास रो सेलेक्ट हुई है उसमें हमने क्या करना था जो पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ हैं पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ या ज़ीरो वाली वैल्यूज इनको हमने इग्नोर करना था अगर हम इन वैल्यूज़ को इग्नोर कर देते हैं तो बाकी सारे के सारी वैल्यूज़ क्या हैं मतलब सारी के सारी वैल्यूज़ क्या हैं पॉजिटिव हैं तो यानी कि हम इस रो में से कोई भी वैल्यू सेलेक्ट नहीं कर सकते रेशो के लिए तो यहाँ से नेक्स्ट प्रोसीड भी नहीं हम कर सकते जब हम नेक्स्ट प्रोसीड नहीं करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन क्या आ जाएगा नो फिजिबल सोल्यूशन आएगा क्योंकि हमने क्या करना होता है ड्यूल सिम्प्लेक्स मेथड में ये जो सोल्यूशन वाला कॉलम है ये ये सारा का सारा पॉजिटिव होना चाहिए सोलूशन वाला कॉलम सारा का सारा पॉजिटिव होगा तो देन ही हम जब वो कोई नेगेटिव uh, वाली वैल्यू को हम जब वो रो के तौर पर सेलेक्ट नहीं कर सकेंगे बात समझ आ रही है आपको मजीद एक्सप्लेन करती हूँ ये बात तो इस बात को आप डिटेल में समझिए कि आपके पास ये जो आपने नेगेटिव वाली रो सेलेक्ट की है ये कब की है जब आपके पास सोलूशन में कोई नेगेटिव टर्म थी ठीक है इस सोल्यूशन कॉलम में अगर सोलूशन कॉलम में सारे की सारी टर्म जो है वो पॉजिटिव हो जाती हैं तो देन आप कोई भी यहाँ पे रो सेलेक्ट नहीं कर सकेंगे जब रो सेलेक्ट नहीं होगी तो रेशियो नहीं आएगी रेशियो नहीं आएगी तो आपके पास ये सोल्यूशन जो है वो फिजिबल सोलूशन आ जाएगा लेकिन यहाँ पर इनफिजिबल सोलूशन क्यों है या नो फिजिबल सोल्यूशन हम क्यों इसको बोल रहे हैं क्योंकि ये जो आपके पास सोलूशन कॉलम है इसमें नेगेटिव टर्म है अभी ठीक है तो जब हमने इसको चूज़ किया है इस रो को चूज़ किया तो यहाँ से हम जो वो मिनिमम रेशियो नहीं निकाल पा रहे हैं मिनिमम रेशियो हमारे पास नहीं आ रही तो जब मिनिमम रेशियो नहीं आएगी तो हमारे पास जो सोलूशन होगा वो क्या होगा नो फिजिबल सोल्यूशन होगा तो ये आपके पास स्पेशल केस था ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड का नो फिजिबल सोलूशन वाला यानी कि इनफिजिबिलिटी हमने चेक की ड्यूल सिम्प्लेक्स मेथड की आई होप स्टूडेंट्स का आपको लेक्चर समझ आ गया होगा कोई भी बात अगर समझ नहीं आती तो ऐसे स्टूडेंट्स जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं वो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं और वो स्टूडेंट्स जो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ऐड वो यूट्यूब चैनल पर कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं अगर कोई बात समझ नहीं आई अगर ऐसे स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि मैम जो है वो आप रो ऑपरेशन नहीं लगवा रही तो रो ऑपरेशन क्यों नहीं लगवा रही क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में रो ऑपरेशन बड़ी डिटेल में आपको सॉल्व करने बताएंगे कैसे आप रो ऑपरेशन लगाते हैं तो आप जो अगर स्टार्ट से लेक्चर लें लेक्चर वन से आप अगर शुरू करें तो आपको रो ऑपरेशन लगाने आ जाएंगे आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी तो इसलिए टाइम को सेव करने के लिए और इसलिए यानी कि टाइम को सेव करने के लिए आपको मैं यहाँ पर रो ऑपरेशन बारी बारी बार बार नहीं बता रही है वीडियो लेक्चर में क्योंकि रो ऑपरेशन आपको लगाने आते हैं आपको पता है रो ऑपरेशन कैसे लगेगा ठीक है आ, ओके स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़